आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, सो ए वोल्टमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड रेजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। इट कैन रीड पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 12 वोल्ट। इफ द सेम कॉइल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट अप टू 2 एम्पीयर, देन व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड। मतलब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये वोल्टमीटर की एक कॉइल है जो कि एक और सीरीज में रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वोल्टमीटर बनाना होता है तो हम रेजिस्टेंस को, किसी लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसको मैं स्मॉल आर बराबर ले लेता हूँ, वो दिया हुआ है हमें 50 ओम। और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर अगर हम लें तो वो दिया हुआ है हमें 1.15 किलो ओम, यानी कि 1150 ओम। ठीक है, किलो मतलब होता है 10^3। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, और ये इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज वी मैक्स ये कितना मेजर कर सकता है, 12 वोल्ट। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि भाई ये इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम वही ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, और वी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर। आर जो होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 + R2। तो यहाँ से इन दोनों का आर इक्विवेलेंट जो होगा ना सीरीज में वाला, वो हमारा हो जाएगा 1200 ओम, इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पर रख देते हैं सारी वैल्यू, 12 इज इक्वल टू 1200 आर नहीं आई, ये आर की वैल्यू तो हमने रख दी ना, हाँ आई। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 1/100 एम्पियर। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो करंट जा सकता है ना, वो 1/100 एम्पियर जा सकता है। अब हमें इससे बनाना है एम्पियर, वो एमीटर। तो एमीटर हम कैसे बनाते हैं, कोईल सेम यूज़ करेंगे, इसी कोईल को एज ए एमीटर यूज़ करेंगे, और इस बार हम सीरीज में लोअर रेजिस्टेंस स्मॉल आर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि इस कोईल में मैक्सिमम करंट 1/100 एम्पियर जा सकता है, तो इसमें हम 1/100 एम्पियर भेज देंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो एमीटर बनाना है इसकी रेंज रखनी है 2 एम्पियर, मतलब इसमें हम मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर तक भेज सकते हैं। अब चूंकि 2 एम्पियर इधर से आया और 1/100 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, 2 - 1/100 एम्पियर। बस क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम करने के लिए मतलब I1R1 इज इक्वल टू I2R2। और हाँ, इस कोयल का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था R बराबर 50 ओम। बस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। इस पहली ब्रांच के लिए अगर मैं लिखूँ तो I1 है 1/100 इंटू इसका R1 है 50 बराबर, दूसरी वाली ब्रांच के लिए I2 लिखूँ तो 2 - 1/100 और इसका R2 है, मतलब स्मॉल R जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको सोल्व करते हैं, तो 50 बटे 100 बराबर 200 - 1 मतलब 199/100 ये R, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास 50/199, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.25। ठीक है, ओम में। सो थैंक यू 251। अगर हम इसको मिली ओम में लिखें, इसको अगर हम मिली ओम में लिखें तो वो हमारे पास हो जाएगा 251 मिली ओम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।